so uh, that's the basic analysis of uh, bharat dynamics so what's my feedback on this bharat dynamics as usual bar -bar kehta ki, i believe that india will become a very prosperous country because defense sector is one of the largest uh, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करता है वो एम्प्लॉयमेंट देता है और टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट होता है इसमें सो इट्स अ वेरी गुड थिंग तो भारत डायनमिक्स इज़ वन ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स इन इंडिया विच यू कैन डेफिनेटली लुक इन टू मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा राइट नाउ नो बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ओवर वैल्यू राइट नाउ एंड इसका इंट्रेंसिक वैल्यू नियर अबाउट आपका तीन सौ अस्सी तीन सौ पचास तीन सौ बीस के रेंज में होगा मतलब साढ़े तीन सौ के नीचे अगर आपको मिलता है देन यू कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट बट अभी इवन इफ यू आर लुकिंग टू ट्रेड अभी आप मत परचेज करो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ओवर वैल्यूड है अगर आप इसको लेते हैं तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें उतना मनुपुलेशन नहीं हो रहा है बट स्टिल देर इज़ मनुपुलेशन इन दिस स्टॉक सो वट आई वुड सजेस्ट इज लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक एंड आई बिलीव दट इंडिया डिफेंस बजट एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो बिकॉज इंडिया हैज़ टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक अगर आप इसको फॉलो कीजिए जब इसका प्राइस थोड़ा सा गिरता है इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है मार्जिन भी बहुत अच्छा है एंड द कंपनी इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन टू आर एंड डी एंड ऑल्स इन मैनुफैक्चरिंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इसका ऑर्डर बुक भी हमेशा फुलफिल है तो एक कंपनी का ग्रोथ के लिए जो जो चाहिए होता है सब कुछ है इस कंपनी के पास अभी हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि अपना इंडियन कंपनी है डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना है गवर्नमेंट कंपनी और इसलिए और भी ज़्यादा सपोर्ट करना है और इस कंपनी के माध्यम से अगर आप पैसा कमा सकते हैं कैपिटल ग्रोथ कर सकते हैं डिविडेंड पा सकते हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बट द रीजन आई वुड भी इन्वेस्टिंग इन दिस आई एम वेरी बुलिश ऑन द डिफेंस सेक्टर सेकेंड इज दिस इज अ इंडिजिनस अपना आर एन टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करना है तीसरा चीज़ है कि यहाँ पर ये यह बहुत अच्छा कैपिटल ग्रोथ देने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चौथा चीज़ है Uh, कि ये आपका डिविडेंड भी देता है डिविडेंड जैसे देख पा रहे हैं थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ये ईल्ड आपको देता है सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी गुड बट जब भी आप किसी कंपनी में फोकस करते हैं सो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट के बारे में भी देखना पड़ेगा फर्दर मैं इसका एनालिसिस करूँगा और उस एनालिसिस का वीडियो डेफिनेटली मैं डालूंगा जहाँ पे मैनेजमेंट का रिव्यू करना है एनुअल रिपोर्ट्स को थोड़ा सा पढ़ना है तो ये था आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे बताइएगा एंड या uh, yeah, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिविडेंड डेल इज वन परसेंट बट लास्ट ईयर तक आप जैसे देख पा रहे थे डिविडेंड इसका ज़्यादा दे रहा था सो दैट्स वन ऑफ द थिंग सो आई विल भी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी फॉर कैपिटल ग्रोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म कर सकते हैं बट आई विल आई डोंट डू इंट्राडे एंड ऑल सो दैट्स माई रिव्यू एंड आपको कैसा लगा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है रिव्यू uh, अच्छा लगा घटिया लगा जो भी लगा डेफिनेटली लेट मी नो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो